Hello everyone, my name is Madhut Gupta. In this particular video, we'll talk about the Consumer Protection Act 2019. Basically, Parliament ne Consumer Protection Bill 2019 ko pass kara tha. Usko President assent mila. Aur abhi recently hi, 20 July 2020 ko ye jo act hai, ye force mein aaya hai. Kya hai iske features? Consumer Protection Act 1986 se ye kaise alag hai? Isme kya kya naye features aaye hain? ई-कॉमर्स के क्या नए रूल्स आए हैं, पर्टिकुलरली जो हम वेबसाइट्स देखते हैं जैसे मिंत्रा, जबोंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, ये सब जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं इनके लिए क्या नए रूल्स हैं. ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी टेकिंग अप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो और देखेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की कोशिश की गई है. आगे बढ़ने से पहले टू सब्सक्राइब टू अन एकेडमी प्लस यू कैन यूज माई रेफरल कोड मदुत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट. सिंपली मेरा नाम डालना एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट. साथ के साथ अनअकैडमी का जो नया आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको कस्टमाइज्ड मेंटरशिप मिलेगी, इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग चेकिंग, नोट्स, पीडीएफ्स, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस. अनअकैडमी के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सबके कोर्सेज आपको मिलेंगे एंड साथ के साथ जीएस, सीसैट, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिलेगा अनअकैडमी मॉडल के अंदर. साथ के साथ ये सारे के सारे मेरे कोर्सेज आ रहे हैं इंडिविजुअली ऑन अनअकैडमी प्लस. मेरे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं और कहीं अवेलेबल नहीं है. सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर दीज कोर्सेज यूजिंग माई रेफरल कोड मदुत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट. ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सबसे पहले डिफाइन करता है कि एक कंज्यूमर होता कौन है, हम किसको कंज्यूमर मानेंगे और किसको कंज्यूमर नहीं मानेंगे. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एनी पर्सन हु इज कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज अ कंज्यूमर. अपनी खुद की कंजम्पशन के लिए जो भी आप गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो तो आप कंज्यूमर कहलाओगे. आपका मोबाइल का कनेक्शन है, वाईफाई का कनेक्शन है, आपने इलेक्ट्रिसिटी ले रखी है, आप बुक्स अपने लिए खरीद रहे हो, आप अपने लिए क्लोथ्स खरीद रहे हो, खाने की कोई आइटम खरीद रहे हो, आप कंज्यूमर हो. हाउएवर ये एक्ट बोलता है कि अगर आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए या रीसेल के लिए आगे कोई गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हो उस केस में ये वाला बिल आप पे एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला एक्ट आप पे एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपकी शर्ट्स की एक शॉप है, आप फैक्ट्री में गए, वहां से आपने 2000 पीसेस लिए शर्ट के, आप हो गए होलसेलर या रिटेलर हो गए, जो भी केस है. आपने जो शर्ट्स खरीदे, 2000 शर्ट्स खरीदे, वो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीदे, वो आपने आगे बेचने के लिए खरीदे. हेंस यू आर अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन, आप एक चेन का पार्ट हो और आप एंड कंज्यूमर फाइनल बेनिफिशियरी नहीं हो. ये जो एक्ट है ये सिर्फ फाइनल बेनिफिशियरीज पे लगता है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अमूल की वैन आ रही है, आपकी दुकान है, आपने उस अमूल की वैन से 500 अमूल बटर के पैकेट्स खरीद लिए तो आप एंड कंज्यूमर नहीं हुए. इसका मतलब आपके ऊपर ये एक्ट नहीं लगेगा. मैंने आपकी दुकान से एक अमूल का पैकेट खरीदा बटर का तो मैं कंज्यूमर हो गया क्योंकि मैं उसे कंज्यूम कर रहा हूं सेल्फ कंजम्पशन के लिए. तो ये चीज ध्यान रखनी है, एक कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो एंड कंजम्पशन के लिए गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है. अब सवाल उठता है कि कहां से खरीद रहा है. दिस एक्ट सेज दैट चाहे आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद रहे हैं, ये जो होलसेल मार्केट्स होती हैं या रिटेल की मार्केट्स होती हैं बाहर मॉल्स वगैरह हो गए, या तो आप वहां से खरीद रहे हैं. अगर आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे वगैरह से तो भी आप कंज्यूमर माने जाएंगे. आपने देखा होगा टेली शॉपिंग वगैरह आता है, टेली शॉपिंग का टीवी पे ऐड भी आता है कि पहले मैं बहुत ऐसा था फिर बाद में मैंने ये खाया तो मैं ऐसा हो गया. ये सारा टेली शॉपिंग वगैरह ही, टेलीफोन करके वो स्लिम सोना बेल्ट और ये सब मंगाते हैं तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है. और मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो आपने देखा होगा एमवे वाला चेन कि एक एमवे का पर्टिकुलर एजेंट होता है, वो आगे चार एजेंट बनाता है, फिर वो आगे चार एजेंट बनाते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं उसे. दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. मतलब कि ये जो एक्ट है लेटेस्ट टाइम्स में जितने भी मार्केटिंग के तरीके हैं, जितने भी सामान बेचने के तरीके हैं, चाहे ऑफलाइन मार्केट हो गई, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, टेली शॉपिंग हो गई या मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई, एमवे वगैरह और वो टेली ब्रांड्स वगैरह जो आप देखते हो, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर टेली शॉपिंग का एग्जाम्पल दूं, आपने देखा होगा कई बार वो टेली ब्रांड्स जो टीवी पे चैनल होता है उसमें क्या होता है, सब्जियां काटने की अलग अलग मशीन दिखाते हैं वो, या फिर पतले होने के अलग अलग डिवाइसेस दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने सब्जियां काटने की कोई मशीन उधर से मंगाई और वो ठीक से काम नहीं कर रही, प्रोडक्ट फॉल्टी है या वो खराब प्लास्टिक का बना हुआ है या फिर
उसमें मिसलीडिंग कुछ था, मतलब कि ऊपर दिखाया कि ये पॉलीमर का बना हुआ है और अंदर देखा तो कुछ बहुत ही घटिया टाइप का प्लास्टिक लगा रखा था, मतलब कि जो दिखाया कस्टमर को एक्चुअल में वो प्रोडक्ट नहीं निकला। इन सब केसेस में भी आप इस एक्ट का सहारा ले सकते हो अपने कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। राइट, ये जो एक्ट है हमने देख लिया कि कौन होता है कंज्यूमर। नाउ दिस एक्ट गिव्स सर्टेन राइट्स टू अ कंज्यूमर। आपके और हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं उनको कुछ राइट्स भी मिलते हैं, पर्टिकुलरली राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। मतलब कि किसी भी मैन्युफैक्चरर को, सेल्स पर्सन को, दुकानदार को ऐसा सामान नहीं बेचना चाहिए जिससे किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी हर्ट हो, हार्म हो। राइट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड प्योरिटी स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी देखा होगा कि अलग अलग आइटम्स होती हैं उसके पीछे लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दूध है, अलग अलग कैटेगरीज में आता है, फुल क्रीम भी आता है, टोन्ड भी आता है, डबल टोन्ड भी आता है, स्किम्ड मिल्क भी आता है, बफेलो मिल्क भी आता है, काउ मिल्क भी आता है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उस मिल्क के पैकेट के ऊपर लिखी होती है कि ये किसका मिल्क है, इसमें कितने लीटर कितना जो किलो कैलोरीज हैं, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, ये सारे के सारे डिस्क्लोजर जो होते हैं वो मिल्क के पैकेट के ऊपर होते हैं। या अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो उसके ऊपर छोटा सा एक टैग लगा होता है कि इसमें 50% नायलॉन है, 50% पॉलिस्टर है या 100% कॉटन है। उसमें साथ में लिखा होता है कि इसे वॉशिंग मशीन में धो सकते हो या नहीं धो सकते। इसी के साथ अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो उसके ऊपर उसकी प्योरिटी का और ये हॉलमार्क वगैरह के फीचर्स होते हैं। कहने का मतलब यह है कि एज अ कंज्यूमर आपका अधिकार है जानने का कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, क्या प्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अगर इन केस कोई खराबी होती है तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, कस्टमर केयर वगैरह, ये सब, प्राइस और ये सारी चीज़ें, आपका पूरा अधिकार है ये सब जानने का। इसके अलावा यू शुड हैव एक्सेस टू वैरायटी। कहने का मतलब है कि अगर आप शर्ट खरीदने गए तो ऐसा नहीं है कि एक ही दुकानदार ने मार्केट में अपनी मोनोपोली बना रखी है, नहीं। जो अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो इस एक्ट के अंडर अलाउड नहीं है। मतलब कि एक कंज्यूमर के पास प्रॉपर वैरायटी होनी चाहिए और कंपेटिटिव प्राइसेस पे होनी चाहिए। सो इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इन दिस ओपन मार्केट, टू हैव एक्सेस टू वैरायटी इज योर कंज्यूमर राइट। साथ के साथ यू हैव राइट टू गेट योर प्रॉब्लम्स रिड्रेस्ड। अगर आप देखते हो कि कहीं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं या फिर कहीं पर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, मतलब कि एक आदमी ने अपने गुंडों को यूज़ करके मार्केट पर कब्जा कर रखा है, वो कहता है कि मैं कस्टमर को कहीं और नहीं जाने दूंगा, या ऐसी कोई भी अलग तरीके की प्रैक्टिस हो रही है दैट रिस्ट्रिक्ट्स एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, या कोई मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऑल ऑफ दैट इज नॉट अलाउड। अगर आपको लगता है कि कोई मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो आप इस एक्ट के अंडर उन्हें रिड्रेस करा सकते हो। ये सारे के सारे राइट्स दिए गए हैं कंज्यूमर्स को अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सवाल उठता है कि कई बार क्या होता है, प्रिलिम्स में एक सवाल बनता है कि ये राइट्स दिए होंगे और आपसे पूछा होगा कि ये किस तरीके के राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या स्टैचुटरी राइट्स हैं। देखिए, ये जो सारे के सारे राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिए हुए, ये आपको एक्ट में दिए हुए। जो भी राइट्स सिर्फ और सिर्फ एक्ट में दिए होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने देखा, ऐसे राइट्स जो सिर्फ और सिर्फ एक्ट में दिए होते हैं उन्हें कहते हैं स्टैचुटरी राइट्स। मतलब कि ये सारे के सारे जो राइट्स आपने देखे, वैरायटी, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में जानना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज और रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सारे के सारे राइट्स आर स्टैचुटरी राइट्स, या फिर इन्हें लीगल राइट्स भी बोल सकते हो आप। दे कैन ऑल्सो बी नोन एज लीगल राइट्स। तो या तो स्टैचुटरी या लीगल, एग्जाम में कुछ भी लिखा है दोनों सही है। नाउ इसी एक्ट के अंडर एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, CCPA। अब मैं इसे CCPA बोलूंगा, प्लीज ध्यान रखिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस बॉडी का मेजर पर्पस है, ये जो हमने अभी राइट्स देखे सारे के सारे कंज्यूमर्स के, इन राइट्स को एनफोर्स करना, इन राइट्स को इंप्लीमेंट करना इस पर्टिकुलर बॉडी का काम है। ये देखना कि कंज्यूमर प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, उसका हित हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको अपने फेवर में चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये सारा काम देखना है CCPA का, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नाउ सबसे पहले सवाल उठता है कि इस अथॉरिटी का पर्पस क्या है। द मेजर पर्पस ऑफ दिस अथॉरिटी इज टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट, प्रमोट और एनफोर्स करना। राइट, मतलब कि
अलग अलग कंज्यूमर के जो अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है, कई बार एफएम रेडियो पे भी बताया जाता है, फिर पैम्फलेट्स वगैरह आते हैं अखबार में, फ्रंट पेज पे कई बार ये ऐड आता है, ये सारी की सारी अवेयरनेस फैलाना, उसके बाद अलग अलग सेमिनार वगैरह कराना, या दुकानदार मैन्युफैक्चरर्स को बताना कि अगर कोई कंज्यूमर को दिक्कत है तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए, या ई कॉमर्स वालों के लिए जो रूल्स हैं उसे इंप्लीमेंट करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये कौन करता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी करेगी इस एक्ट के अंडर। इनके पास पावर्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपने कोई कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे इस दुकान पे मेरा राइट वायलेशन हुआ है, उस केस में ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इट कैन कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिलिम्स में सीधा सवाल बनता है कि ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है क्या इनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है, क्या इनके पास इन्वेस्टिगेटिव राइट्स हैं? बिल्कुल हैं, बेयर एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इट कैन कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस। साथ के साथ अगर मान लीजिए आपने कोई लड़स से शर्ट खरीदी, या कोई गाड़ी खरीदी, कोई स्कूटर खरीदा, वो फॉल्टी है, ये जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ये निकल के आता है कि ये मॉडल ही खराब है, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी खरीदी XL11, ये कोई मॉडल है लड़स से, बाद में निकल के आता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये मॉडल ही खराब है, तो दे कैन रिकॉल ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। वो कंपनी को ये ऑर्डर कर सकते हैं कि इस मॉडल की जितनी भी गाड़ियां हैं या एक पर्टिकुलर सीरीज की जितनी भी शर्ट्स हैं उनको आप वापस बुलाओ, या फॉर एग्जांपल कोई नई टेक्नोलॉजी आई लेट अस से 4G+ करके, फॉर एग्जांपल मान लो 4G+ करके, और ऐसा निकल के आता है कि उससे जो है एक्चुअल में कैंसर हो रहा है, तो ये रिकॉल करा सकते हैं उसे। कहने का मतलब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन इनके पास फॉल्टी गुड्स और सर्विसेज रिकॉल करने की पूरी अथॉरिटी है। ऑल्सो दे कैन प्रोसिक्यूट द डिफॉल्टर्स। मान लीजिए अगर इनको लगता है कि कोई दुकानदार ने, कोई मैन्युफैक्चरर ने बहुत बड़ा क्राइम करा है, कोई फ्रॉड करा है कंज्यूमर के साथ, उसे फ्रॉड के थ्रू सामान बेचा है, फॉल्टी सामान बेचा है, खराब सामान बेचा है, कोई बैंड सब्सटेंस बेच दिया उस तरीके से, तो ये उसके अगेंस्ट कोर्ट में जाके केस भी कर सकते हैं, इनके पास केस करने की भी पावर है। ऑल्सो दे कैन इशू नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई दुकान वाला है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो ये उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। साथ के साथ सबसे बड़ी और नई पावर जो इस पर्टिकुलर एक्ट में आई है, डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ मिसलीडिंग एड्स। मतलब कि ये जो अलग अलग एड्स आते हैं कि नौकरी का पहला दिन और ऑटो में, तो क्या मतलब एरोप्लेन में थोड़ी ना आएंगे, नौकरी ही तो है। साथ के साथ अगर गोरे हो गए तो ये नौकरी पक्का मिल जाएगी, वो फेयरनेस क्रीम्स के जो ऐड आते हैं, ये बॉर्नविटा तैयारी जीत की, मतलब जिसने बॉर्नविटा पी लिया उसका UPSC तो पक्का क्लियर होगा, ये सारे के सारे जो एड्स आते हैं मिसलीडिंग एड्स अलग अलग तरीके के, और जैसे ये अपना LIC वगैरह, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, पता चलता है कि आदमी की कोई दिक्कत हो गई 5 साल तो वो क्लेम निकालने में लग गए, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं। सो ऐसे मिसलीडिंग एड्स को डिसकंटिन्यू करने की पावर भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास है। मतलब कि एज अ कंज्यूमर आपको लगता है कि कोई ऐड बेकार है, कोई ऐड आपके काम का नहीं है, इन अ वे कि वो फ्रॉडुलेंट ऐड है, वो जो है मिसलीडिंग ऐड है, तो आप उसकी कंप्लेंट CCPA में जाके कर सकते हो, और फिर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दे कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। राइट, अब वो शारदा यूनिवर्सिटी और ये सब, वर्ल्ड इज हेयर वेयर आर यू, 5 बच्चों का एडमिशन नहीं होता लेकिन वर्ल्ड वहां पे है, किधर से दुनिया है उधर। साथ के साथ दे कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑन द कंसर्न मैन्युफैक्चरर्स सेलिब्रिटीज ऑफ मिसलीडिंग एड्स। फॉर एग्जाम्पल कोई मिसलीडिंग एड आया, अब उसमें 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक तो मैन्युफैक्चरर की और एक सेलिब्रिटी की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेलिब्रिटी कोई ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं तो दे शुड बी वेरी केयरफुल कि वो अच्छा ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कानून के अंडर क्या बोला गया है कि अगर कोई मिसलीडिंग ऐड है, कोई फॉल्टी ऐड है, कोई फ्रॉड्यूलेंट ऐड है, उसमें अगर सेलिब्रिटी या फिर मैन्युफैक्चरर, उनको पनिश किया जा सकता है, उनके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। इवन इस एक्ट में बोला गया कि सेलिब्रिटीज के ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है, मैन्युफैक्चरर को भी इम्प्रिजन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मिसलीडिंग ऐड आ रहा है तो या तो फाइन लगा सकते हो सेलिब्रिटी और मैन्युफैक्चरर दोनों के ऊपर, अरेस्ट कर सकते हो मैन्युफैक्चरर को भी सेलिब्रिटी को भी, और सेलिब्रिटी को बैन कर सकते हो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए कि आप अब आने वाले समय में कोई भी एंडोर्समेंट नहीं करोगे।
तो मतलब कि ये जो सेलिब्रिटीज पहले थोड़ा सा इजीली ले लेते हैं कि ठीक है चलो कोई भी ब्रांड प्रमोट कर दो पैसा आना चाहिए, अब वो चीज़ नहीं होगी। सेलिब्रिटी के ऊपर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि क्योंकि आप सोशल फिगर हो, आप एक सोशल फेस हो, तो अगर आप कोई मिसलीडिंग एड दे रहे हो तो आपके ऊपर फाइन, इंप्रिजनमेंट, पेनल्टी और बैन लगाया जा सकता है कुछ समय के लिए। ये सारे के सारे काम कौन करेगा? CCPA। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐड देख रहे हो, आपको लगता है कि एक सेलिब्रिटी मिसलीड कर रहा है, तो आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो प्रॉपर एक्शन लेंगे, या उन्हें लगता है कि ये प्रोडक्ट ही बेकार है तो उसको रिकॉल करने के लिए भी अलग अलग मेजर्स ले सकते हैं। साथ के साथ इसी एक्ट के अंडर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए कई सारे नए रूल्स आए हैं, जैसे कि सबसे पहले बोला गया कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हैं अगर वो कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस कर रही हैं या मैल प्रैक्टिस कर रही हैं, दैट शुड स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि ई कॉमर्स पे जो सामान लिस्टेड है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जितना भी सामान लिस्टेड है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में बताना है कि उसका रिफंड कैसे होगा, पेमेंट क्या होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट कितना सेफ है। साथ के साथ आत्मनिर्भर भारत से इसे लिंक करते हुए बोला गया कि जो भी प्रोडक्ट लिस्ट हो रहा है वहां पे कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना काफी ज्यादा जरूरी है। ये एक नई गाइडलाइन है जो इधर ऐड करी गई है कि हर ई कॉमर्स वेबसाइट को कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना जरूरी है कि वो जो प्रोडक्ट लिस्टेड है या जो वहां पे प्रोडक्ट बिक रहा है वो कितने परसेंट कौन सी कंट्री से उसमें सामान लगा हुआ है। कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना काफी ज्यादा जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को इधर लिंक किया गया है। साथ के साथ हर ई कॉमर्स वेबसाइट के पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट कर रहा है तो विद इन 48 आवर्स आपको वो कंप्लेंट एक्नॉलेज करनी है। फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन से कोई सामान मंगाया, वो खराब निकला, आपने उधर कंप्लेंट करी, अमेजोन को 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है कि उनको आपकी कंप्लेंट मिल गई है। प्लीज फोकस अपॉन द वर्ड एक्नॉलेज। मैं यहां पे बोल रहा हूं एक्नॉलेज, रेजोल्यूशन नहीं बोल रहा, एक्नॉलेज बोल रहा हूं। तो जैसे ही आपने कंप्लेंट कराई 48 आवर्स के अंदर अंदर Amazon शुड एक्नॉलेज योर कंप्लेंट, और फिर जिस तारीख को आपने कंप्लेंट कराई है उसके एक महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट का रेजोल्यूशन हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 1 अगस्त को कंप्लेंट कराई तो अब 3 अगस्त तक Amazon को इसे एक्नॉलेज करना है, और 1 सितंबर तक जिस तारीख को कंप्लेंट कराई उसके एक महीने के अंदर अंदर 1 सितंबर तक Amazon को एक कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है, आपको सॉल्यूशन देना है। ये है नए ई कॉमर्स के रूल्स, मतलब कि कंज्यूमर के लिए आसान बनाने के लिए, ई कॉमर्स को और ग्रो कराने के लिए, और ई कॉमर्स में किसी भी कंज्यूमर का वायलेशन नहीं हो रहा, इन सब चीजों के लिए थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट करे गए हैं। तो आपने सुना होगा कई बार आप अपना वन प्लस जो फोन है या कोई भी दूसरा फोन है वो ऑर्डर करते हो, कई बार उसमें मैंने देखा है कि लोगों के में पत्थर निकलता है, अंदर से साबुन वगैरह निकलता है, ऐसे कई सारे केसेस जो है न्यूज में और फेसबुक वगैरह पे सर्कुलेट होते रहते हैं। तो अब उन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स को स्ट्रिक्टली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना होगा, मैल प्रैक्टिसेस को स्ट्रिक्टली रोकना होगा, उसको लेके रूल्स इस एक्ट में बनाए गए हैं। मतलब कि इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ई कॉमर्स के ऊपर ज्यादा रेगुलेशन रखा गया है। आपको पता है कि इससे पहले जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 का था। अब जो 1986 का एक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे ई कॉमर्स तो था नहीं, ई कॉमर्स तो अभी आया है, तो क्योंकि ई कॉमर्स अभी आया है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए, उसको रेगुलेट करते हुए ई कॉमर्स के रूल यहां पे बनाए गए हैं। नाउ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने दो चीजें देखी हैं, एक तो देखा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA और ई कॉमर्स के रूल्स। CCPA वो अथॉरिटी है जहां पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, गुड्स को रिकॉल कर सकती है और ये सब। आपने एक बात सुनी होगी कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर कंज्यूमर कोर्ट हुआ करते थे, अब उन कंज्यूमर कोर्ट को रिप्लेस कर दिया गया है और उन कंज्यूमर कोर्ट्स की जगह कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन आ गया है। मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसके अंडर हुआ करते थे कंज्यूमर कोर्ट्स, और अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर क्या मिलेंगे, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन मतलब कि कंज्यूमर कोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया है थ्रू कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, राइट। ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है
यहाँ पे केस किया जा सकता है। देखिए, आपने एक शर्ट खरीदी, वो फॉल्टी निकली, आपको कंप्लेंट करनी है। अगर कंप्लेंट करनी है तो आप जाओगे सीसीपीए। अगर आपको सीधा केस करना है तो आप कहां जाओगे? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। मैंने आपको बताया कि जो कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद दे हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। मैंने आपको बताया कि ये केस कर सकते हैं कहीं कहीं पे, इनके पास प्रोसिक्यूशन की पावर है। ये जो है ना, प्रोसिक्यूशन की पावर दी गई है, ये बेसिकली इधर दी गई है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को कोई केस करना है तो वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जाके केस करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, तो ये 3 tier का स्ट्रक्चर है। एक बनेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक बनेगा स्टेट लेवल पे और एक बनेगा नेशनल लेवल पे। 3 tier स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में सीधा सवाल निकलता है इधर से, 3 tier स्ट्रक्चर। और मेंस का एनालिसिस तो निकलती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर, जीएस मेंस पेपर 3 में कई बार क्वेश्चन आता है, तो वहां के लिए तो ये सवाल बनता ही है। साथ के साथ अगर आपने लेट अस से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस करा, आपने डिस्ट्रिक्ट केस में कोर्ट में केस करा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन आ गया, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है, यहां पे आपने केस करा, अगर आपको इसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना है तो आप स्टेट लेवल जा सकते हो। अगर स्टेट लेवल के कोर्ट के अगेंस्ट अपील करना है तो नेशनल लेवल जा सकते हो। और अगर नेशनल लेवल के कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अगेंस्ट केस करना है, उनके डिसीजन को अपील करना है, उनके डिसीजन को चैलेंज करना है, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट लाइज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की। हाई कोर्ट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। जो अपील है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वो जाएगी स्टेट में, स्टेट की अपील नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल की अपील सुप्रीम कोर्ट पे। हाई कोर्ट्स का इसमें कोई रोल नहीं है। साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो केसेस जाएंगे जहां पे वैल्यू 1 crore रुपए तक की इन्वॉल्व है। आपने 1 crore रुपए तक का कुछ सामान खरीदा, उसमें अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन स्टेट में, स्टेट का नेशनल पे, नेशनल का सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अगर आपने 1 to 10 crore रुपए के बीच में कोई वैल्यू खरीदी, 1 to 10 crore रुपए के बीच में कोई आइटम खरीदी, तो आप स्टेट लेवल के कोर्ट जा सकते हो सीधा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 crore रुपए का लेट अस से गोल्ड खरीदा, 5 crore रुपए का गोल्ड खरीदा, तो अब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाओगे। आपको कोई दिक्कत है उसमें, हॉल मार्किंग वगैरह नहीं हुई, दुकानदार ने फ्रॉड करा, बिल नहीं दिया प्रॉपर, उसमें कुछ मिलावट कर रखी है, जो भी है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाओगे अब। क्यों? क्योंकि वैल्यू 1 crore से ज्यादा की है। अब आप जाओगे स्टेट लेवल का कोर्ट, इसका डिसीजन चैलेंज कर सकते हो नेशनल पे, नेशनल का डिसीजन चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट पे। अगर वैल्यू 10 crore रुपए से ज्यादा की इन्वॉल्व है तो आप जाओगे नेशनल लेवल के कोर्ट पे। तो इस तरीके से 3 tier स्ट्रक्चर बना रखा है और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन दे रखी है। प्रीलिम्स में सीधा सवाल बनता है दैट दीज कोर्ट्स आर क्रिएटेड ओनली एट द सेंट्रल लेवल। जवाब है ना, दे आर क्रिएटेड एट 3 levels। साथ के साथ दूसरा स्टेटमेंट बनता है that these courts have appellate jurisdiction. These courts have appellate jurisdiction. जवाब है हाँ, they have. जैसे कि मैंने बताया, district से state, state से national, national से supreme court. Right. इसके अलावा under the Consumer Protection Act 2019 और भी कई सारे features हैं। सबसे पहले यहाँ पे consumer welfare fund बनाया जाएगा। कंज्यूमर वेलफेयर फंड बेसिकली अलग अलग कंज्यूमर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, सेमिनार्स के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अखबार में ऐड देना है, टीवी में ऐड देना है, रेडियो एफएम पे ऐड देना है, कोई अलग अलग कैंपेन्स निकालने हैं, मार्केट में अवेयरनेस फैलानी है, इन सब चीज़ों के लिए कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है सीसीपीए के आगे, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के आगे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो आप वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। अगर आपको कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में केस करना है, तो वहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग का भी प्रोविजन बनाया गया है कि ठीक है आप नहीं जा पा रहे हो वहां पे किसी कारण से, ऐसा कुछ भी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपने आप को उस रिड्रेसल कमीशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। साथ के साथ अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि आप कंप्लेंट कर सकते हो, आप केस कर सकते हो, ये बातें हमने देखी। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में
आपको प्रोवाइड किया गया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मतलब कि आपको अगर कोर्ट नहीं जाना, इफ यू डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट, आपको कोर्ट नहीं जाना, आप ये कहते हो कि मेरे को सेटलमेंट कोर्ट के बाहर ही करना है, मीडिएशन करना है, तो मीडिएशन का भी यहाँ पे प्रावधान बनाया गया है। बेसिकली ये एक्ट ये बोलता है कि अगर दोनों पार्टीज, जो डिस्प्यूट में दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, अगर दोनों पार्टीज राजी हैं, दोनों पार्टीज कहती हैं कि हाँ हमारे को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना है, मीडिएशन करना है, तो मीडिएशन इज ऑल्सो अलाउड एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट। मीडिएशन कराने के लिए मीडिएशन सेल्स सेटअप करे जाएंगे अंडर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशंस। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशंस बनाए जाएंगे, उनके अंडर अलग अलग मीडिएशन सेल्स बनाए जाएंगे कि अगर कोई रेजोल्यूशन कमीशन के बाहर ही, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करना चाहता है, मीडिएशन करना चाहता है, तो उन सब चीजों के लिए मीडिएशन सेल्स बनाए जाएंगे अंडर द रेजोल्यूशन और रिड्रेसल कमीशंस। बेसिकली क्या बनता है कि अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो आप सीसीपीए जाओ, सीसीपीए प्रोसिक्यूशन कर सकता है सेंट्रल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन में, या आप खुद भी इधर डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के नीचे मीडिएशन सेल्स बनाए जाएंगे, उन मीडिएशन सेल्स में भी आप ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको इधर ध्यान रखनी है, क्या कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशंस हैं, जो हमने देखा डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उनका डिसीजन तो आप चैलेंज कर सकते हो, उनके पास एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है कि आप डिस्ट्रिक्ट का डिसीजन जो है स्टेट में अपील कर रहे हो, स्टेट का डिसीजन नेशनल पे अपील कर रहे हो, नेशनल का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पे अपील कर रहे हो। मतलब कि उस वाले रेजोल्यूशन कमीशन में, रिड्रेसल कमीशन में एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन मीडिएशन सेल्स में कोई भी एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मीडिएशन सेल ने जो डिसीजन दे दिया वो दे दिया, उसको आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। प्लीज नोट कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, मीडिएशन, इसका डिसीजन आप कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार इन्होंने जो डिसीजन दे दिया वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेंट्रल जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, इसका थ्री टीयर स्ट्रक्चर है और इसके पास एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन जो मीडिएशन सेल्स हैं, इनका थ्री टीयर स्ट्रक्चर तो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल मीडिएशन सेल्स, स्टेट लेवल के नीचे स्टेट लेवल मीडिएशन फंड, नेशनल लेवल के नीचे नेशनल लेवल मीडिएशन सेल्स, तो इनका भी थ्री टीयर स्ट्रक्चर तो है, लेकिन इनके यहाँ एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इनकी मिसिंग है। साथ के साथ एक बात और बताना चाहूंगा, आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जहां पे आप जाके कंप्लेंट्स करते हो सारी की सारी, जहां पे आप जाके कंप्लेंट्स करते हो, ये स्टेट लेवल पे नहीं बनती, ये सिर्फ सेंट्रल लेवल पे बनती है। दिस इज क्रिएटेड ओनली एट द सेंट्रल लेवल, प्लीज ध्यान रखिए, दिस इज क्रिएटेड ओनली एट द सेंट्रल लेवल। ये वन टीयर बॉडी है, सिंगल टीयर बॉडी है। साथ के साथ ये बोला गया कि जो स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं, रेगुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे ऑन अ क्वार्टरली बेसिस अबाउट वैकेंसीज, डिस्पोजल ऑफ केसेस, पेंडेंसी ऑफ केसेस। मतलब कि स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस आए, वहाँ पे जजेस की वैकेंसी तो नहीं है, शॉर्टेज तो नहीं है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, कितना खर्चा हुआ, ये सारी बातें जो स्टेट लेवल का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है वो क्वार्टरली बेसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा। प्लीज नोट, अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एक कॉन्सेप्ट और दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो या तो प्रोडक्ट बना रहा है या फिर ऐसा व्यक्ति जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर और सेलर, उनके ऊपर प्रोडक्ट की पूरी पूरी लाइबिलिटी है। मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी है कि वो कितना अच्छा या कितना खराब प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर कोई दुकानदार वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितना अच्छा है कितना खराब प्रोडक्ट बेच रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर फॉल्टी प्रोडक्ट की वजह से किसी भी कंज्यूमर को नुकसान होता है तो मैन्युफैक्चरर और सेलर दोनों के ऊपर लाइबिलिटी आती है। ये नया कॉन्सेप्ट है जो इस एक्ट के अंडर लाया गया है। प्लीज नोट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी, बहुत ध्यान से नोट करना है, ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी मतलब कि अगर फॉल्टी प्रोडक्ट बेचने से, खराब प्रोडक्ट बेचने से, हैजार्डस प्रोडक्ट बेचने से किसी भी कंज्यूमर को नुकसान होता है, किसी भी कंज्यूमर की लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो मैन्युफैक्चरर और सेलर के ऊपर कंपनसेशन हो सकता है कि आप कंपनसेशन दो कंज्यूमर को, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है,
उनका कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस भी किया जा सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए दुकान का लाइसेंस वगैरह है वो सब कैंसिल किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी नया कॉन्सेप्ट है एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ पावर टू द कंज्यूमर कि कल को कंज्यूमर का नुकसान होता है किसी फॉल्टी गुड या सर्विस की वजह से तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है सेलर और मैन्युफैक्चरर से। इसी के साथ इस बिल के अंडर, इस एक्ट के अंडर एक बॉडी और बनाई गई है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। प्लीज ध्यान रखिए जहां पे आपको कंप्लेंट करनी है वो है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो है अथॉरिटी, प्लीज फोकस वो है अथॉरिटी। और अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो है काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अभी मैं बात कर रहा हूं काउंसिल की, शुरू में सिंगल टीयर बॉडी जो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे बनेगी जहां पे कंप्लेंट कर सकते हो, जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जो गुड्स को वापस बुला सकती है, सेलिब्रिटीज के ऊपर फाइन लगा सकती है, इंप्रिजनमेंट, मिसलीडिंग एड, वो वाली बॉडी, वो कौन थी? अथॉरिटी, CCPA। अभी जो मैं बात कर रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं? काउंसिल की, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, राइट। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है दिस इज बेसिकली एन एडवाइजरी बॉडी ऑन कंज्यूमर इश्यूज, कंज्यूमर रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, चर्चा वगैरह करना, नई पॉलिसी बनाना, पुरानी पॉलिसी को अमेंड करना, इन सब के बारे में जो चर्चा होगी वो कौन करेगा? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो ध्यान रखिए अथॉरिटी CCPA का क्या काम है? लॉस को इंप्लीमेंट करना, राइट्स को इंप्लीमेंट करना। काउंसिल का क्या काम है? नए लॉस के बारे में एडवाइस करना कि और क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जैसे कंज्यूमर मार्केट चेंज हो रही है, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, यह काम है काउंसिल का। दिस काउंसिल विल बी हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता होगा यह एक मंत्रालय है जिसके मिनिस्टर अभी रामविलास पासवान है। कहने का मतलब यह है कि जो कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनेगा इसके चेयरपर्सन अभी के लिए रामविलास पासवान होंगे और इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखिए चेयरमैन कौन होगा? मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसी के साथ साथ इसमें 34 मेंबर्स और होंगे, तो टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 36 मेंबर्स। दो तो हो गए ये, एक मिनिस्टर और एक मिनिस्टर फॉर स्टेट। इन दोनों के अलावा 34 मेंबर्स और होंगे और उन 34 मेंबर्स में से 10 लोग कौन होंगे? दो मिनिस्टर्स फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट्स, दो मिनिस्टर्स फ्रॉम सर्दर्न स्टेट्स, दो मिनिस्टर्स फ्रॉम ईस्टर्न स्टेट्स, दो मिनिस्टर्स फ्रॉम वेस्टर्न स्टेट्स और दो मिनिस्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मतलब कि हमारे देश में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग रीजन्स में स्टेट्स हैं, उन दो स्टेट्स में से कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर आएंगे और इसका पार्ट बनेंगे। तो बेसिकली ये एक फेडरल बॉडी है, ध्यान से देखिए, जस्ट लाइक GST काउंसिल, दिस इज अ फेडरल बॉडी। फेडरल बॉडी का मतलब यह है कि इसमें जो है सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। सेंटर का कैसे? कि जो यूनियन मिनिस्टर है ही विल बी द चेयरपर्सन और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ही विल बी द वाइस चेयरपर्सन। साथ के साथ जो बाकी 34 मेंबर्स हैं उसमें से 10 मेंबर्स जो हैं वो स्टेट से आ रहे हैं और बचे हुए मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। तो ये है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो पॉलिसी मैटर्स पे इनपुट देगा, एडवाइस करेगा, डिस्कशंस करेगा, कंज्यूमर लॉस को और ज्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली बनाएगा। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है इसका टेन्योर है 3 years। ये बॉडी जो अभी बनाई जाएगी ये 3 साल के लिए बनाई जाएगी, 2020 से लेके 2023 तक के लिए। 3 years इज द टेन्योर। तो अगर सारी डॉट्स कनेक्ट करें तो हमने देखा डेफिनेशन एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ई कॉमर्स के नए रूल्स, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, 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 कंप्लेंट, इन्वेस्टिगेशन, मिसलीडिंग एड, रिकॉल ऑफ गुड्स, वो वाली बॉडी याद करो, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, यही वाली 36 मेंबर बॉडी जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन है पॉलिसी मैटर्स पे इनपुट। उसके बाद कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, 3-tier बॉडी। उन 3 tiers में क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ के ऊपर, और उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा और यहीं पर रिड्रेसल कमीशन के नीचे मीडिएशन सेल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन देखा। तो ये था बेयर एक्ट एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आई होप ऑल द एस्पेक्ट्स आर क्लियर।
To subscribe to an academy, you can use my referral code Mudit Gupta for 10% discount. और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए. थैंक यू वेरी मच.